नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम शुंगलू कमेटी की 101 पन्नों की रिपोर्ट का डीएनए टेस्ट करेंगे और ये विश्लेषण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने लोगों को दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में कैसे फिट करते थे और कुछ लोगों की नियुक्तियों के लिए कैसे नियमों को ताक पर रखा गया। दो साल पहले अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बड़ी बड़ी कस्में खाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब उनकी सरकार के कामकाज को लेकर जिस तरह के खुलासे हर रोज हो रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले वर्ष अगस्त के महीने में शुंगलू कमेटी बनाई थी, जिसने केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा की है। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है और आज हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है। हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा है और हम जो तथ्य आपके सामने आज रखेंगे उन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि राजनीति में भ्रष्टाचार का 2020 कैसे खेला जाता है। इसके बाद हम आपको भारत की दलाई लामा वाली डिप्लोमेसी के बारे में बताएंगे। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की थी और इसके 67 वर्षों के बाद तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच का पुराना तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक नेता दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के 9 दिन के दौरे पर हैं और दलाई लामा के इस दौरे से चीन बड़ा बेचैन है। चीन ने भारत को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं और इनमें से एक धमकी यह है कि अगर भारत चीन के खिलाफ दलाई लामा का इस्तेमाल करेगा तो चीन कश्मीर में दखल देने पर भी विचार कर सकता है। चीन इस बात से भी परेशान है कि भारत ने दलाई लामा का स्वागत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को क्यों भेजा। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आप सबको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद हम कश्मीर की शांति को क्लीन बोल्ड करने वालों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे पास आज एक वीडियो आया है जिसमें कश्मीर के कुछ युवा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हरे रंग की जर्सी पहनकर और दिल पर हाथ रखकर पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान गुनगुना रहे हैं। आज हमें इन युवाओं को देखकर बहुत चिंता हो रही है। ये उस कश्मीर के नागरिक हैं जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में रहकर सारी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ये लोग पाकिस्तान की भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि इन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। इसलिए हम भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर लाने वाला एक विश्लेषण आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जीएसटी बिल आज राज्यसभा में बिना किसी संशोधन के पास हो गया। आज राज्यसभा में जीएसटी पर बहस के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे देश की टैक्स व्यवस्था सुधरेगी, टैक्स में भी कमी आएगी जिसका फायदा आम आदमी को होगा। लॉन्ग रन में टैक्सेस कम होंगे, कारण ये है कि ये ज्यादा एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम है और एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम में इवेजन कम होता है और इवेजन कम होने का अर्थ ये है कि टैक्सेस ज्यादा रीजनेबल, उनकी दर ज्यादा रीजनेबल होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी के आरोपी गिरफ्तार होंगे, 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी के आरोपी को जमानत भी नहीं मिलेगी। जीएसटी लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, अब 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी को टैक्स रिफॉर्म और विकास की दिशा में पहला कदम बताया। आज राज्यसभा में जीएसटी पर बहस के दौरान डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि टैक्स सिस्टम इतना आसान हो कि लोग आसानी से टैक्स भर सकें। इस देश में बहुत सी चीजें करने की आवश्यकता है जो कि जिसकी वजह से इस देश में टैक्स देने वाले को भी तकलीफ ना हो। टैक्स का स्ट्रक्चर हमें कम करना चाहिए, टैक्स कम होगा तो लोग देंगे भी और आपको इस प्रकार के पेनल प्रोविजन नहीं करने पड़ेंगे जिसमें कि आपको लोगों को अरेस्ट करना पड़े। डॉक्टर चंद्रा ने ये भी कहा कि बीते 15 सालों में गरीब और अमीर के बीच की खाई बड़ी है। 15 वर्षों में इतनी 154 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ बढ़ी, उसका अगर बंटवारा देखेंगे आप तो टॉप के 1% लोगों के पास 58% उस संपदा का भाग गया। तो इससे ये बड़ा साफ जाहिर हो रहा है कि गरीब और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है। शिवसेना ने कहा कि अगर 10 अप्रैल तक उनके सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर से हवाई उड़ान की पाबंदी नहीं हटती तो वो एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे। शिवसेना ने संसद का कामकाज ठप करने की चेतावनी भी दी है। क्या है एयर इंडिया,
कौन है सीएमडी, क्या उनकी औकात है, मैं पूछता हूँ। इससे पहले लोकसभा में इस मुद्दे पर शिवसेना ने काफी हंगामा किया। शिवसेना के मंत्री अनंत गीते और नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू के बीच तनातनी इतनी बढ़ी कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दखल देना पड़ा। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि सांसद पर बैन लगाना सही नहीं, और उनका भी जो एक कहना था कि जो बैन लगाया गया है ये बैन हटाया जाना चाहिए, क्योंकि बात हम भी जानते हैं कि आने जाने में जो तकलीफ होती है और वो उचित भी नहीं। वहीं शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। रविंद्र गायकवाड़ ने आज नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को चिट्ठी लिखकर खेद जताया है और बैन हटाने की मांग की है। संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूँ, संसद की क्षमा मांगता हूँ, वो अफसर की नहीं। अलवर में गोरक्षकों की पिटाई से एक आदमी की मौत पर कांग्रेस ने राज्यसभा में हंगामा किया। राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि घटना वैसी नहीं हुई जैसी बताई जा रही है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जब जिम्मेदारी छोड़ देती है तो भीड़ तंत्र इसी तरह चलता है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। इतना मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरह से हमारा भी यह प्रयत्न होगा, केंद्र सरकार का भी प्रयत्न होगा कि इसमें न्याय संगत ही कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर पुलिस पिटाई मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज प्रवर्तन निदेशालय ने 10 राज्यों में 18 ब्यूरोक्रेट्स के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई के घेरे में आईएएस आईएफएस समेत अलग अलग विभागों के कई अफसर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली यूपी राजस्थान गोवा छत्तीसगढ़ तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और कई दूसरे राज्यों में छापे मारे। नोएडा के इंजीनियर यादव सिंह और उसके करीबी रमेंद्र सिंह पर भी छापे पड़े। दोनों पर ये आरोप है कि इन्होंने नोएडा अथॉरिटी में रहते हुए बेहिसाब दौलत कमाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद ऑपरेशन ब्लैक मनी शुरू हुआ है। पिछले शनिवार को ही देश भर में एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान 2000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के बारे में पता चला। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने ये केस पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को सस्ते में जमीन अलॉट करने के मामले में दर्ज किया है। एजेएल को ये जमीन सबसे पहले 1982 में आवंटित हुई थी, लेकिन इस पर 1992 तक कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये जमीन वापस ले ली। 2005 में ये जमीन फिर से एजेएल को दे दी गई। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। ये भ्रष्टाचार का एक खुला केस है। इन कांग्रेस जनों ने अपने राज्य में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए हरियाणा में लूट की है। हुड्डा पर आरोप है कि एजेएल को सस्ते में करोड़ों की जमीन देने के लिए नियमों की अनदेखी की गई, इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। वीके शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद केजरीवाल सरकार अवैध नियुक्तियों के मामले में बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है। तो ये सब सिर्फ पार्टी के वर्कर, अपने रिश्तेदार, इन सब लोगों को भर्ती और इन सब लोगों को रखने की जगह। बीजेपी ने कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। शुंगलू कमेटी ने बता दिया कि ये जो ईमानदारी का चोला पहना ये झूठ है, अंदर ठग बैठा हुआ है और वो ठग दिल्ली को लूट रहा है, दिल्ली के लोगों के पसीने की कमाई को लूट रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। वही रिपोर्ट तैयार करने वाले पूर्व कैग वीके शुंगलू ने कहा कि रिपोर्ट की टाइमिंग से उनका लेना देना नहीं है। ये एलजी साहब को देखना है क्या बड़ा है क्या छोटा है, सारे रिकमेंडेशन एक ही लेवल के हैं। कौन पॉलिटिकली आप बड़ा समझते हैं, कौन कम समझते हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूर्व एलजी नजीब जंग ने अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तखत कराए। अफसरों को बिठा के एलजी साहब ने बुला के धमका के उनसे झूठे नोट लिखवाए गए हैं। वो फाइल में आपको दिखाऊंगा कि उनको जेल जाना चाहिए, उन्होंने ऐसे लिखा है। कश्मीर के बटालिक सेक्टर में आए बर्फीले तूफान में सेना के 5 जवान दब गए। इनमें से 2 जवानों को बचा लिया गया है, लेकिन 3 जवान अभी भी लापता हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश जारी है। कश्मीर में बर्फबारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार 3 दिन की बारिश से दक्षिण और मध्य कश्मीर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। झेलम नदी खतरे के निशान के करीब पहुँच गयी है। निचले इलाकों से लोग हटाए जा रहे हैं।
पंजीपोरा में बर्फीले पानी में फंसे लोगों को राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने सुरक्षित निकाला। सेना ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। बारिश के साथ बर्फबारी ने भी कश्मीर की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बारामूला शोपियां में हालात ज्यादा खराब है। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आपात बैठक बुलाकर हालात का ब्यौरा लिया है। खराब मौसम के चलते कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, लेकिन लगातार इस हो रही बारिश ने कहीं न कहीं लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है।